बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है वो है जी कंपाउंड एंड मिक्सचर। दो चीज़ें हैं कंपाउंड एंड मिक्सचर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंपाउंड्स के बारे में, क्या होते हैं। कंपाउंड्स इज अ सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ टू आर मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड टूगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास। इसमें दो चीज़ें हैं कि सब्सटेंस टू आर मोर देन एलिमेंट्स के कम्बिनेशन से मिलकर जो बनेगा। अब केमिकल कम्बिनेशन का क्या मतलब है, मीन जब एलिमेंट्स केमिकल रिएक्शन के थ्रू आपस में कंबाइन होते हैं तो हम कहते हैं दे हैव केमिकल कम्बिनेशन। ये केमिकल बॉन्ड्स के थ्रू होता है, कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू भी हो सकता है, आयनिक बॉन्ड के थ्रू भी हो सकता है, मेटेलिक बॉन्ड के थ्रू भी हो सकता है, कोवलेंट कोवलेंट बॉन्ड भी हो सकता है, कोई भी बॉन्ड इस तरह की आगे टाइप्स में से हो सकता है। लेकिन इन एलिमेंट्स में से जो आपस में कंबाइन होंगे जब वो कंपाउंड बनाते हैं उनकी मास के अकॉर्डिंग रेशियो क्या रहती है, फिक्स, वो चेंज नहीं होती। एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल कम्बिनेशन एलिमेंट्स लूज देयर प्रॉपर्टीज आर आइडेंटिटीज। जैसे फॉर एग्जाम्पल है वाटर बनता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होंगे वाटर बनाएंगे। अब इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन भी गैस है ऑक्सीजन भी गैस है, जब ये मिलते हैं तो इनके कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, वाटर जो कि एक लिक्विड है। इस वाटर के अंदर हमें कहीं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नजर नहीं आता। क्या मतलब हुआ कि उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को या प्रॉपर्टीज को क्या कर दिए, लॉस कर दिए। सो दे प्रोड्यूस नो न्यू सब्सटेंसेस व्हिच आर कंपाउंड्स व्हिच हैव एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल की ऑक्सीजन की अलग प्रॉपर्टीज हैं, हाइड्रोजन की और हैं, लेकिन वाटर की दोनों से इंटायरली क्या होती है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, बोथ केमिकल भी और फिजिकल भी। एंड कंपाउंड्स कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स बाय सिंपल फिजिकल मेथड। इन फिजिकल मेथड के थ्रू कंपाउंड्स को ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। फिजिकल मेथड कौन से हैं, वेपोरेशन है, फिल्ट्रेशन है, क्रिस्टलाइजेशन है, डिस्टिलेशन है, इस तरह के मेथड के थ्रू हम उन्हें ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। ब्रेक डाउन करेंगे तो केमिकल रिएक्शन हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं। फिर जैसे एग्जाम्पल्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड है विच इज फाउंड व्हेन एलिमेंट ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइंड केमिकली इन अ फिक्स्ड रेशियो ऑफ 12:32। और सिंपलेस्ट रेशियो निकालें तो 3:8 बाय मास की बनती है, 3 मीन कार्बन की और 8 मीन ऑक्सीजन की। अब जैसे फॉर एग्जांपल है कार्बन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन हुए, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन एलिमेंट है, कंबाइन में कार्बन डाइऑक्साइड बनाया जो कि कंपाउंड है। अब इस कंपाउंड में देखें कार्बन और ऑक्सीजन तो है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड में ना कार्बन की प्रॉपर्टीज है ना ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज शो हो रही है, वो अपनी प्रॉपर्टी शो करते हैं। अब इसमें कार्बन के मास कितने हैं जिसे हम एटॉमिक मास कहते हैं, 12, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, क्योंकि ऑक्सीजन के 2 एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं, इसलिए इसका क्या आएगा 32। तो बाय मास इनकी रेशियो निकालें, मीन रेशियो ऑफ देयर मैसेज, वो कितनी बनती है 12:32। और इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाएं 4 से डिवाइड करें तो कितनी बनती है 3:8। बाय मास रेशियो है वो कितनी रहेगी 3:8। कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ से मर्जी ले लें, चाहे वो पेपर के बर्न होने से प्रोड्यूस हो रही है, वुड के बर्न जलाने से प्रोड्यूस हो रही है, किसी फैक्ट्री से इमिट हो रही है, हम सांस के थ्रू निकाल रहे हैं, जहाँ से मर्जी कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है उसमें कार्बन और ऑक्सीजन की रेशियो क्या रहती है बाय मास फिक्स, दैट विल बी 3:8। इसी तरह वाटर कंपाउंड है जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के केमिकल कम्बिनेशन से बनकर बनता है, उसकी रेशियो कितनी रहती है 1:8 बाय मास। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन हुए वाटर बनाया, अब इसमें हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 क्योंकि 2 हाइड्रोजन एलिमेंट्स हैं इसलिए 2 आएगा, और 16 होता है एटॉमिक मास ऑक्सीजन का, 2 ऑक्सीजन एलिमेंट्स हैं तो 32, तो इसकी रेशियो क्या बनती है 2:32। सिंपलेस्ट रेशियो निकालो तो कितनी आती है 1:8 की आती है। जहाँ से मर्जी वाटर ले ले उसकी अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के जो बाय मास रेशियो है वो यही है, चाहे वो ओशन वाटर हो, रिवर वाटर हो, लेक्स का हो, रेन वाटर हो, गटर का पानी हो, जहां से मर्जी ले लें उसमें बाय मास रेशियो जो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन की क्या रहेगी 1:8। इसलिए कहा जाता है दे हैव फिक्स्ड रेशियो बाय मास जो हमने डेफिनेशन में डिस्कस किया था। इसके बाद जो कंपाउंड हैं उनको 2 बेसिक टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। मैंने शुरू में बताया था केमिकल कम्बिनेशन से बनता है, वो केमिकल कम्बिनेशन ज्यादातर 2 तरह से होता है, कोवलेंट बॉन्डिंग के थ्रू में जब एलिमेंट्स अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, और आयनिक बॉन्डिंग थ्रू जिसमें इलेक्ट्रॉन
ट्रांसफर किए जाते हैं वन एलिमेंट्स टू अनदर एलिमेंट्स। तो इसी बेस के ऊपर इसके टू टाइप्स हैं, वन ऑफ देम इज आयनिक कंपाउंड जो आयनिक बॉन्ड से मिलकर बनते हैं, अदर वन इज कोवलेंट कंपाउंड जो कोवलेंट बॉन्ड से मिलकर बनते होते हैं। अब इसमें हम आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं, इसको फर्दर डिटेल से डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 में, लेकिन यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं। दे डू नॉट एग्जिस्ट इन इंडिपेंडेंट मोलेकुलर फॉर्म, मोलेकुलर फॉर्म में इंडिपेंडेंटली वो नहीं एग्जिस्ट कर सकते। दे फॉर्म अ थ्री डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस जिसे आप 3D शेप कहते हैं, विच आयन इज सराउंडेड बाय अपोजिटली चार्ज्ड आयन, उनको अगर नेगेटिव है तो दोनों साइडों से पॉजिटिव ने सराउंड किया होगा, पॉजिटिव है तो दोनों साइडों से नेगेटिव आयन ने सराउंड किया होगा। दीज अपोजिटली चार्ज आयंस अट्रैक्ट ईच अदर वेरी स्ट्रांगली एज रिजल्ट आयन कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उनको तोड़ना मुश्किल होता है, इसलिए हमें ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा इनको तोड़ने के लिए। इस चीज का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज्यादा। मेल्टिंग पॉइंट क्या है, जब किसी सॉलिड को हीट किया जाए लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, जिस टेम्परेचर पे कन्वर्ट हो हम कहेंगे इसका वो मेल्टिंग पॉइंट है। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जब किसी लिक्विड को टेम्परेचर दिया जाता है, हीट दिया जाती है, वो जिस टेम्परेचर के ऊपर गैस में कन्वर्ट हो जाए उसको क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है। दीज कंपाउंड आर रिप्रेजेंटेड बाय फार्मूला, इनका जो फार्मूला होता है उसे इसका क्या कहा जाता है, फार्मूला। जैसे सोडियम क्लोराइड है, सोडियम आयन सोडियम पॉजिटिव और क्लोराइड आयन Cl- नेगेटिव से मिलकर बना होता है। इसी तरह पोटेशियम ब्रोमाइड है, पोटेशियम ब्रोमाइन पॉजिटिव और Br- नेगेटिव आयन से मिलकर बना होता है। दूसरे जो है प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स, इसके कंपेरेटिवली अगर हम देखें, दिस कोवलेंट कंपाउंड्स मोस्टली एग्जिस्ट इन मोलेकुलर फॉर्म, वो मोलेकुलर फॉर्म वो आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और ये मोलेकुलर फॉर्म में, आयनिक फॉर्म में आयंस में और कोवलेंट कंपाउंड्स में मॉलिक्यूलर फॉर्म में। अ मॉलिक्यूल इज अ ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कोवलेंट कंपाउंड एंड इट्स फार्मूला इज कॉल्ड मोलेकुलर फार्मूला। आयनिक कंपाउंड्स के फार्मूला को फार्मूला यूनिट और कोवलेंट कंपाउंड्स के फार्मूला को क्या कहा जाता है, मोलेकुलर फार्मूला कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल वाटर है, उसका मोलेकुलर फार्मूला H2O, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, मीथेन HCH4, ये इनके क्या आ जाते हैं, मोलेकुलर फॉर्म, और ये एग्जाम्पल आ जाते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स की जो कोवलेंट बॉन्ड से मिलकर बनते हैं। फिर नेक्स्ट जो हमारी जो कैटेगरी है वो क्या है जी, मिक्सचर। व्हेन टू आर मोर एलिमेंट्स आर कंपाउंड्स मिक्स अप फिजिकली विदाउट एनी फिक्स्ड रेशियो दे फॉर्म अ मिक्सचर। फिजिकली का मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने क्या लिया, वाटर ऑफ ग्लास लिया, इसमें हम क्या करते हैं, दूसरी साइड पर हमने लेमन लिया, अंदर हम क्या डाल देते हैं, लेमन को वाटर के अंदर डाल के मिक्स करते हैं, तो एक मिक्सचर बन जाता है। ये फिजिकल मेथड है, फिर इसमें केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ, तो हमने देखा इसमें लेमन आ गया वाटर के अंदर। अब इस प्रोसेस में अगर हम देखें मिक्सचर जब बनना, इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, जब पानी के अंदर लेमन डालते हैं तो लेमन का टेस्ट आता है, लेकिन कंपाउंड में ऐसा नहीं होता। तो इसी तरह जैसे शुगर ऐड कर दें पानी के अंदर, तो मिक्स करेंगे फिजिकली, हम उसे क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं फिजिकल मेथड के थ्रू, उन्हें मिक्स किया जा रहा है, तो वो भी क्या बनेगा, शुगर इन वाटर एक मिक्सचर बनेगा। ऑन मिक्सिंग अप द कंपोनेंट ऑफ सब्सटेंस रिटेन देयर ओन केमिकल आइडेंटिटीज एंड प्रॉपर्टीज, जैसे अभी मैंने कहा इसमें लेमन अगर हम डाला तो लेमन का टेस्ट आ रहा है, उसकी प्रॉपर्टी हमें फील की जा रही है। वाटर है, वाटर भी हम उसमें से फील कर सकते हैं, उसको एवेपोरेट करके बॉइलिंग पॉइंट के थ्रू बॉयल करके देखा जा सकता है उसमें वाटर है कि नहीं है। तो मीन हम उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या रखते हैं, जो कंपोनेंट्स होते हैं मिक्सचर के वो रिटेन रहते हैं, वो अपनी प्रॉपर्टीज लॉस नहीं करते, जबकि कंपाउंड में वो लॉस कर देते हैं। द मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू अपेरेंटल कंपोनेंट्स, मीन जिनसे मिलकर बने हुए फिजिकल मेथड से, जबकि कंपाउंड में हमने कहा था उनको फिजिकल मेथड के थ्रू सेपरेट नहीं किया जा सकता। जैसे फॉर एग्जाम्पल मिक्सचर को डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, सेपरेट किया जा सकता है, या एवेपोरेशन के थ्रू हम उसे क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट है, इसको मिक्स करेंगे वाटर के अंदर, उसका मिक्सचर बन जाएगा, एवेपोरेट करेंगे हीट करेंगे, वाटर एवेपोरेट हो जाएगा, जब कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स के फॉर्म में रह जाएंगे, इसी से इसी को आगे कन्वर्ट किया जाता है क्रिस्टलाइजेशन में और मैग्नेटिज्म में। जैसे आयरन को सैंड के अंदर मिक्स कर दें, उसमें से आयरन को निकालना है, फिर उसके ऊपर मैग्नेटिज्म लेकर और उसके ऊपर फेरेंगे, तो उसके आयरन जितना भी होगा साइंस निकल मैग्नेट के अंदर आके वो क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा।
सैंड और मैग्नेट एक दूसरे से सेपरेट हो गए, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, मैग्नेटाइजेशन। तो इस तरह से ये सारे फिजिकल मेथड है मिक्सचर अपने कंपोनेंट में से कन्वर्ट किया जा सकता है। मिक्सचर को भी टू टाइप्स में डिवाइड किया जाता है उनकी कंपोजिशन के बेस के ऊपर, वन ऑफ देम इज होमोजेनियस मिक्सचर, अदर वन इज द हेटरोजेनियस मिक्सचर। अगर हम सबसे पहले होमोजेनियस मिक्सचर की बात करें, होमो जहां पे भी आ जाए इसका मतलब होता है सेम, सो मिक्सचर दैट हैव्स यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, उनकी जो कंपोजिशन है वो सारी एक जैसी हो, उनके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं एक कंपोजिशन में पाए जाते हैं, इसे कहा जाता है होमोजेनियस मिक्सचर कहा जाता है। जैसे एयर है, एयर की जहां से मर्जी ले लें एयर इसकी कंपोजिशन थ्रू आउट सेम रहती है, लाहौर की ले लें, मुल्तान की ले लें, इस्लामाबाद की ले लें, ऑस्ट्रेलिया की ले लें, जहां से मर्जी ले लें, उसमें नाइट्रोजन 21% होगी, नाइट्रोजन 78% होगी, आर्गन 0.9% होगी, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होगी, मेन उसकी कंपोजिशन क्या रहेगी, सेम रहेगी। गैसोलीन जैसे पेट्रोल है, वो जैसे पीएसए का हो, शेल का हो, जिसका मर्जी हो, उसके अंदर जो सब्सटेंसेस हैं उसकी भी आइसक्रीम में वो चाहे वो क्या कह सकते हैं आइसक्रीम जो मार्केट में आती हैं उसमें से बहुत सारी चीज़ें केमिकल्स होते हैं वो आइसक्रीम में होती है, हम प्योरली आइसक्रीम की बात करें उसकी भी कंपोजिशन क्या रहती है, थ्रू आउट सेम रहती है चाहे वो जिस कंपनी की भी हो। इसी तरह दूसरी जो टाइप है उसे क्या कहा जाता है, हाइड्रोजीनियस मिक्सचर। हाइड्रो जहाँ पे भी आ जाए इसका मतलब होता है डिफरेंट, सो हाइड्रोजीनियस मिक्सचर आर दोज इन विच कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट, कंपोजिशन किसकी सब्सटेंस है जिनसे ये मिलकर बनाते हैं वो डिफरेंट होती है। जैसे सॉइल है, डेजर्ट की सॉइल ले लें, उसमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड में सैंड ज्यादा होती है, टर्शियल एरियाज में जैसे लाहौर के ले लें इसमें मट्टी जो लॉम है वो क्या होगी, ज्यादा होगी, मरी में चले जाएं उसमें मिनरल ज्यादा होंगे, स्टोन ज्यादा होंगे, डिफरेंट एरियाज की सॉइल क्या होती है, डिफरेंट होती है, तो इसकी कंपोजिशन क्या आ गई, वेरी कर जाए। रॉक्स हैं, डिफरेंट रॉक्स हैं, उनके भी जो अंदर मिनरल की है उसके अंदर बाकी जो सब्सटेंसेस पाए जाते हैं हर रॉक के अंदर सब्सटेंसेस वेरी करते हैं, तो इसके अंदर भी कंपोजिशन उसके आ जाती है, डिफरेंट आ जाती है। वुड है, हर प्लांट की वुड के अंदर जो कंपोजिशन है वो क्या होती है, वेरी करती है, डिफरेंट होती है। जैसे बना इसके सॉफ्ट वुड होती है उसमें सेलुलोज कम होता है, हार्ड वुड में सेलुलोज ज्यादा होता है, तो इतनी कंपोजिशन वेरी कर रही है। तो ऐसे जो मिक्सचर है वो क्या कराते हैं, हाइड्रोजीनियस मिक्सचर कराते हैं। फिर एक बहुत ही एक्सटेंसिवली इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमने अभी इसमें किया भी है, दे आर द डिफरेंसेस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। दोबारा से देख लेते हैं, जैसे कंपाउंड दूसरी साइड पर मिक्सचर। सबसे पहले फॉर्मेशन हमने देखा, पहले भी डिस्कस किया है, कंपाउंड कैसे फॉर्म्ड होते हैं, दे आर फॉर्म्ड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम ऑफ द एलिमेंट्स, विच हमने एग्जांपल ली कार्बन डाइऑक्साइड की और वाटर की। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बना, कार्बन और ऑक्सीजन के केमिकल कॉम्बिनेशन से। वाटर कैसे बना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के केमिकल कॉम्बिनेशन से, केमिकल रिएक्शन से। मिक्सचर में हमने पढ़ा था, दे आर फॉर्म्ड बाय सिंपल मिक्सिंग अप ऑफ द सब्सटेंसेस, जैसे लेमन को वाटर में ऐड किया, लेमन वाटर बन गया, सिंपल हमने उसे क्या किया, मिक्स किया। कॉन्स्टिट्यूएंट्स इंजिन जैसे मिलकर बने होते हैं, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स लूज देयर आइडेंटिटी, मीन कंपाउंड में अपनी आइडेंटिटी लूज कर लेते हैं एंड फॉर्म न्यू सब्सटेंस हैविंग एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज फॉर्म देम। जैसे वाटर बना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज इंटायरली डिफरेंट है, मीन वाटर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उनकी जो प्रॉपर्टीज है इंटायरली डिफरेंट है, वाटर की इंटायरली डिफरेंट है, बट मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। जैसे अभी हमने लेमन वाटर एग्जाम्पल दी थी, लेमन को वाटर में ऐड कर दें, टैंग ऐड कर दें, स्क्वैश ऐड कर दें, कोई चीज भी वाटर में ऐड कर देते हैं, उसका टेस्ट कलर लाजमी आता है, अगर कलर है तो कलर शो होगा, टेस्ट है तो टेस्ट शो होगा, स्मेल है तो उसकी ऑडियंस शो होगी, फील की जाएगी, मीन स्मेल उसको किया जा सकता है, तो मीन अपनी प्रॉपर्टीज लॉस्ट नहीं करते, तो इसलिए कहा जाता है जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं मिक्सचर के वो अपनी प्रॉपर्टीज शो करते हैं। रेशियो बाय मास में कंपाउंड में हमने कहा था दे हैव ऑलवेज फिक्स्ड कंपोजिशन बाय मास, कार्बन डाइऑक्साइड में देखी हमने, वाटर में देखी, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन की 1:8 है जहां से मर्जी, और मिक्सचर के अंदर कंपोजिशन जो है वो फिक्स्ड नहीं होती, वो वेरी करती रहती है। फिर उसके बाद दूसरा सेपरेशन में अगर हम देखें, हमने बात की थी कंपाउंड्स को कंपोनेंट्स ऑफ कंपाउंड्स को सेपरेट नहीं किया जा सकता बाय फिजिकल मीन, फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन, एवेपोरेशन, इन मेथड्स इनको पॉसिबल ही नहीं है कि सेपरेट किया जा सके, जबकि मिक्सचर में हमने देखा था उनके जो कंपोनेंट्स हैं किसी भी फिजिकल मेथड के थ्रू सेपरेट किया जा सकता है। फिर केमिकल फार्मूला, सबसे बड़ी पहचान कंपाउंड की यही होती है, दे आर रिप्रेजेंटेड थ्रू केमिकल फार्मूला, और मिक्सचर की यही होती है कि उनके अंदर कोई केमिकल फार्मूला नहीं होता,
मिक्सचर का कोई केमिकल फार्मूला नहीं है, जैसे एयर है इसको कोई केमिकल फार्मूला नहीं है, मिल्क है इसको कोई केमिकल फार्मूला नहीं है, गैसोलीन है इसको कोई केमिकल फार्मूला नहीं है, जबकि सोडियम क्लोराइड है NaCl उसको केमिकल फार्मूला है, कंपाउंड है, वाटर है कंपाउंड है H2O उसको केमिकल फार्मूला है। सो नेक्स्ट है कंपोजिशन, कंपाउंड्स हैव होमोजेनियस कंपोजिशन, मीन उनकी जो कंपोजिशन है वो ऑलवेज क्या होती है, सेम होती है। और अभी हमने डिस्कस किया था मिक्सचर की वो होमोजेनियस भी हो सकते हैं, हेटरोजेनियस भी हो सकते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, कंपाउंड्स हैव शार्प एंड फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, शार्प फास्ट होता है, हाई होता है और फिक्स्ड होता है, जैसे वाटर है उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है जी, सॉरी वाटर है उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है जी, 100 सेल्सियस है। फ्रीजिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट उसको मेल्टिंग पॉइंट उसका क्या है, 0 सेल्सियस सेंटीग्रेड, मीन फिक्स्ड है, इसी ऊपर नीचे नहीं है, जबकि जो मिक्सचर है इनका कोई ऐसा शॉप या फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता। जो था बेटे आज का टॉपिक, हमारा जो मेजर टॉपिक था वो कंपाउंड एंड मिक्सचर, इसमें जो मेन जो चीज़ आई है जो याद करने वाली और बोर्ड में एक्सटेंसिवली लॉन्ग क्वेश्चन है, क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। इसके अलावा इनकी जो कंपाउंड है ये मिक्सचर है इसकी आइडेंटिटी पूछी जा सकती है, बताओ ये कंपाउंड है ये मिक्सचर है MCQ के अंदर। आप लोगों के टेस्ट योरसेल्फ में से क्वेश्चन वैसे भी शॉर्ट क्वेश्चन है, जस्टिफिकेशन पूछी जाती है कि फॉर एग्जांपल जस्टिफाई एयर इज अ मिक्सचर व्हाइल वाटर इज अ कंपाउंड, ये हमने डिफरेंसेस में डिस्कस किया, उसमें हम बता देंगे। जैसे मैं बता सकता हूँ कि वाटर के कंपाउंड क्यों है, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। दूसरी रीजन क्या बताएंगे, इट हैज अ केमिकल फार्मूला H2O। मिक्सचर में बताएंगे वो फिजिकल मीन से मिलकर बना होता है, एयर की बात करें डिफरेंट गैसेस की, नाइट्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन एटसेट्रा, और इनको किसी स्पेसिफिक केमिकल फार्मूला नहीं होता। ये टू मेन रीजन है, बाकी भी कोई हम ऐड कर सकते हैं बाकी जो हमने डिफरेंसेस में डिस्कस किया। इसी तरह से पूछा जा सकता है जस्टिफाई वाटर इज अ कंपाउंड व्हाइल हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर एलिमेंट्स, उसमें बताएंगे कंपाउंड्स क्या है, जी जो केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, और इसके बाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एलिमेंट्स बताएंगे ये क्या है, इसके केमिकल कॉम्बिनेशन किसी एलिमेंट से नहीं मिलकर बना हुआ बल्कि ये क्या है, एक सेपरेट आइडेंटिटी है, और जो किससे मिलकर बना होता है, सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना होता है। फिर हम बताएंगे आगे कंपाउंड को केमिकल मेथड के थ्रू सेपरेट किया जा सकता है, लेकिन एलिमेंट्स को सेपरेट नहीं किया जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता। और उसके बाद हम बताएंगे कंपाउंड का एक मेल्टिंग पॉइंट भी है, बॉइलिंग पॉइंट भी है, एलिमेंट का ऐसा नहीं होता। तो इस तरह के आपके बहुत सारे क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। थैंक यू सो मच।